हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हम ए और बी के सिनोनिम्स कर चुके हैं, तो हम शुरू करते हैं सी से। पहला जो वर्ड है वो है कैलस। कैलस मीन्स कठोर, तो उसका हो जाएगा क्रूअल। इसका जो स्पेलिंग है वो देख लेते हैं। कैलस की CALLOUS, कैलस। कैलस मीन्स कठोर, सिनोनिम हो जाएगा क्रूअल। नेक्स्ट देखते हैं कार्डिनल। कार्डिनल यानी कि मुख्य, कार्डिनल यानी कि मुख्य, उसका हो जाएगा प्रिंसिपल। सिनोनिम प्रिंसिपल। स्पेलिंग देख लेते हैं कार्डिनल की CARDINAL, कार्डिनल। नेक्स्ट देखते हैं कैटलॉग। कैटलॉग यानी कि हम किसी भी साइट्स पे जाते हैं, यानी कि ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं, तो उसमें कैटलॉग दिखाता है, बहुत सारी लिस्ट। यानी कि कैटलॉग का मतलब होता है सूची, यानी कि लिस्ट ऑफ नेम्स और बुक्स। कैटलॉग का मतलब हो जाएगा सिनोनिम लिस्ट ऑफ नेम्स और बुक्स। देखते हैं कॉशन। ये तो सबको पता ही होगा, नॉर्मल कॉशन मीन्स वार्निंग। नेक्स्ट देखते हैं सीरियल। CERIAL, इसका मतलब है खदान। अ ग्रेन यूज्ड एज फूड, इसका मतलब हो जाएगा, इसका सिनोनिम सीरियल को, अ ग्रेन यूज्ड एज फूड, खदान। नेक्स्ट देखते हैं कंपलसरी। कोई चीज़ कंपलसरी हमारे लिए यानी नेसेसरी है, ये सब लोग जानते हैं, यानी कि जरूरी, अनिवार्य, आवश्यक है। कंपलसरी का हो जाएगा नेसेसरी सिनोनिम। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रेहेंड का हो जाएगा समझना, किसी चीज़ को समझना, तो इसका हो जाएगा कॉम्प्रेहेंड का टू अंडरस्टैंड, किस चीज़ को समझना। नेक्स्ट देखते हैं काउंसिल यानी कि काउंसलिंग में जाते हैं किस चीज़ में, तो यानी क्या करते हैं, एडवाइस यानी कि सलाह, यानी कि परामर्श लेना किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से परामर्श लेना, तो काउंसिल मीन्स हो जाएगा परामर्श, एडवाइस। सिनोनिम हो जाएगा एडवाइस। नेक्स्ट देखते हैं कपल तो सब लोग जानते ही होंगे। इसका स्पेलिंग देख लेते हैं COUPLE, कपल। कपल मीन्स पेयर, यानी कि जोड़ा, जोड़ी या जोड़ा। कर्टसी यानी कि विनम्रता, पोलाइटनेस। इसकी स्पेलिंग देखते हैं CORTESY, कर्टसी। कर्टसी मीन्स पोलाइटनेस, विनम्रता। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉय माने मॉडेस्ट, यानी कि शर्मिला। कोई व्यक्ति है यानी कि शर्मिला है, तो उसके क्या बोलेंगे उसे, कॉय, COY, कॉय। कॉय मीन्स शर्मिला, इसका सिनोनिम हो जाएगा मॉडेस्ट, MODEST, मॉडेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्रीच, CRECHE, क्रीच। क्रीच, क्रीच मीन्स होता है शिशुशाला। इसका जो हो जाएगा सिनोनिम, नर्सरी फॉर चिल्ड्रन। क्रीच मीन्स अ नर्सरी फॉर चिल्ड्रन, इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्पेलिंग साथ ही साथ स्पेलिंग याद करते चलिएगा। अब देखते हैं क्रीमेट, CREMATE, क्रीमेट। क्रीमेट मीन्स लाश जलाना, यानी कि कोई बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको जलाना, लाश को जलाना, वो हो जाएगा क्रीमेट। इसका सिनोनिम हो जाएगा टू बर्न ए डेड बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं क्राइसिस, यानी कि डेंजर, यानी कि संकट काल, यानी कि जब कोई बाढ़ वगैरह कुछ आ जाता है तो बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रिसिस टाइम है, यानी कि संकट काल है, क्राइसिस। तो इसका हो जाएगा अ टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर, बड़ी मुसीबत, संकट। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं CRISIS। अब देखते हैं कल्पेबल, यानी कि दोषी। कल्पेबल मीन्स दोषी, स्पेलिंग देख लेते हैं CULPABLE, यानी कि गिल्टी। इसका वो हो जाएगा सिनोनिम गिल्टी, GUILTY। नेक्स्ट देखते हैं साइनोसोर मीन्स अट्रैक्शन, कोई भी व्यक्ति है यानी कि वो आकर्षण लग रहा है, उसका उसमें आकर्षण है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कोई व्यक्ति, तो उसको बोलेंगे साइनोसोर। यानी कि शादी पार्टी में जाते हैं, कोई हमको कोई लड़की दिख जाए, कोई कुछ दिख जाए, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि
वो हमें बहुत अच्छी लग जाए, अट्रैक्ट, जिसकी तरफ सब आकर्षित हो रहे हों, यानी कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसका हो जाएगा साइनोश्योर, यानी कि वो साइनोश्योर है, यानी कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, इसका सिनोनिम में हो जाएगा, वो हो जाएगा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोश्योर। स्पेलिंग देख लेते हैं, CYNOSUR, साइनोश्योर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। देखते हैं डर्थ, यानी किसी चीज़ की कमी होना, शॉर्टेज, अभाव होना किसी चीज़ का, उसे बोलेंगे डर्थ, TERRTH, इसका वो हो जाएगा सिनोनिम शॉर्टेज। देखते हैं डेबार, डेबार यानी कि किसी चीज़ को रोकना, टू प्रिवेंट करना, डेबार करना, आपने सुना होगा ये वर्ड कि फलाने को डिबार कर दिया, फलाने चीज़ को डिबार कर दिया, यानी कि उसे रोक दिया उस चीज़ जाने से, करने से, यानी कि टू प्रिवेंट, किसी चीज़ को रोकना, इसका वो हो जाएगा सिनोनिम टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट, डिबार मीन्स टू प्रिवेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं डेबिट, DEBIT, यानी कि कर्ज, डेबिट, ये डेबिट मीन्स होता है कर्ज, डेब्ट, अडेप्ट, इसका सिनोनिम हो जाएगा अडेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं डिपॉपुलेट, डिपॉपुलेट यानी कि आपने पढ़ा होगा पॉपुलेट, यानी कि जनसंख्या, बढ़ना, किसी चीज़ को बढ़ना, पॉपुलेट होना, बढ़ना, और इसमें डी लगा दिया, यानी कि कम होना, यानी कि जनसंख्या घटना, जनसंख्या का कम होना, तो डिपॉपुलेट मीन्स, डिपॉपुलेट मीन्स टू रिड्यूस पॉपुलेशन, जनसंख्या का घटना। डिपॉट, डिपॉट, डिपॉट मीन्स होता है भंडार गृह या स्टोर हाउस, स्टोर हाउस, डिपॉट, डिपॉट मीन्स स्टोर हाउस, सुनने में हो जाएगा डिपॉट का स्टोर हाउस। अब देखते हैं ड्रेड, ड्रीड, DREAD, ड्रीड, ड्रीड मीन्स होता है अ ग्रेट फियर, भय, बहुत बड़ा भय, बहुत भय, यानी कि बहुत ज़्यादा भय, तो उसको क्या बोलेंगे ड्रीड। स्पेलिंग देख लेते हैं DREAD, इसका सिनोनिम हो जाएगा अ ग्रेट फियर। नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉस, DROSS, ड्रॉस, ड्रॉस का मीन्स होता है व्यर्थ की वस्तु, व्यर्थ वस्तु, ड्रॉस, इसका जो सिनोनिम है वो हो जाएगा अ वर्थलेस थिंग, अ वर्थलेस थिंग। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूप, DUPE, ड्यूप, ड्यूप, ड्यूप मीन्स धोखा देना, इसका सिनोनिम हो जाएगा टू रिसीव, टू सॉरी टू डिसीव, धोखा देना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया यानी कि अपच, यानी कि इसे देख के ही कुछ समझ में आ रहा होगा, यानी कि ये कोई बीमारी लग रही है, बीमारी लग रही है डिस्पेप्सिया, इसका हो जाएगा इंडाइजेशन, यानी कि अपच, इंडाइजेशन, सिनोनिम इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया। स्पेलिंग देख लेते हैं इसका DYSPEPSIA, डिस्पेप्सिया मीन्स अपच होना, इसका सिनोनिम हो जाएगा इंडाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं इंडेवर, इंडेवर, इंडेवर मीन्स कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, यानी कि टू ट्राई हार्ड, कठिन परिश्रम करना, इंडेवर। स्पेलिंग देख लेते हैं ENDEAVOUR, इंडेवर, इंडेवर मीन्स कठिन परिश्रम, इसका सिनोनिम हो जाएगा टू ट्राई हार्ड। नेक्स्ट देखते हैं इंड्योर, इंड्योर यानी कि बर्दाश्त करना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, इंड्योर यानी कोई किसी चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है बहुत देर से, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, कोई किसी भी चीज़ को कोई बर्दाश्त कर रहा है, तो उसे बोलेंगे इंड्योर, ENDUR, इंड्योर, यानी कि टू बियर, इसको सिनोनिम हो जाएगा टू बियर। नेक्स्ट देखते हैं इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स वास्ट, बहुत बड़ा, इनॉर्मस, इनॉर्मस यानी कि वास्ट, इनॉर्मस मीन्स वास्ट, सिनोनिम हो जाएगा वास्ट, बहुत बड़ा, कोई चीज़ बहुत बड़ी तो बोलेंगे वास्ट, इनॉर्मस। नेक्स्ट देखते हैं एंट्रेट, एंट्रेट मीन्स निवेदन करना, किसी चीज़ से कोई निवेदन करना, किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से कोई निवेदन करना, तो उसे बोलेंगे एंट्रेट। टू इम्प्लोर, टू इम्प्लोर, एंट्रेट मीन्स टू इम्प्लोर, सिनोनिम हो जाएगा टू इम्प्लोर। अब देखते हैं एरोजन, आपने देखा होगा सॉयल एरोजन, बहुत सारे एरोजन होते हैं, तो एरोजन मीन्स होता है कटाव, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। स्पेलिंग देख लेते हैं एरोजन की, ERROSIOL,
ओएन सिनोनिम हो जाएगा डिस्ट्रक्शन। और नेक्स्ट देखते हैं एविडेंट, एविडेंट एविडेंट मीन्स साफ, स्पष्ट, क्लियर। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट यानी कि क्लियर, एविडेंट सिनोनिम हो जाएगा क्लियर। स्पेलिंग देख लेते हैं EVIDENT, एविडेंट मीन्स क्लियर, साफ, स्पष्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोगों को पता ही होगा, असाधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई व्यक्ति है वो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यानी कि असाधारण है, वो साधारण नहीं असाधारण है यानी कि एक्सेप्शनल है वो, इसका हो जाएगा एक्सेप्शनल। अब देखते हैं फेलियर, अब फेलियर, फेलियर को देखते ही एक चीज़ समझ में आ रही है, वो फेल, फेल होना, किसी असफल होना यानी कि फेलिंग, फेलिंग इसका संदर्भ हो जाएगा फेलिंग। देखते हैं फैसिनेट, फैसिनेट मीन्स होता है मुग्ध करना किसी चीज़ को, मंत्र मुग्ध करना, मुग्ध करना किसी चीज़ को, टू चार्म। स्पेलिंग देख लेते हैं फैसिनेट की, FASCINET, फैसिनेट, फैसिनेट मीन्स टू चार्म, इसका संदर्भ होगा टू चार्म, मुग्ध करना। फैटल, फैटल को देख के आपको याद आओ घातक, कोई चीज़ घातक है, फैटल मीन्स किलर, घातक, घातक। देखते हैं फैटिग, फैटिग यानी कि टायर्डनेस यानी कि थकावट, फैटिग FATIGUE, फैटिग यानी कि टायर्डनेस। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइडेलिटी, FIDELITY, फाइडेलिटी मीन्स फेथफुलनेस यानी कि वफादारी, फेथफुलनेस यानी कि वफादारी, फाइडेलिटी मीन्स वफादारी, FIDELITY, फाइडेलिटी मीन्स वफादारी यानी कि फेथफुलनेस। देखते हैं नेक्स्ट फिलिप, FILLIP, फिलिप, फिलिप मीन्स होता है प्रोत्साहन देना, इनकरेजमेंट, फिलिप इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन देना किसी चीज़ को, बढ़ावा देना, फिलिप उसको बोलेंगे फिलिप। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्लोरिस यानी कि प्रॉस्पर यानी कि आर्थिक प्रगति, इसको बोलेंगे फ्लोरिस का संदर्भ हो जाएगा प्रॉस्पर यानी कि आर्थिक प्रगति, फ्लोरिस FLORISH। नेक्स्ट देखते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड को देखते ही आपके माइंड में एक चीज आ रही, फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना, प्रेफेस यानी कि भूमिका अदा करना किसी चीज़ के लिए, आगे बढ़ना है भूमिका अदा करना है, इसका संदर्भ हो जाएगा प्रेफेस, फॉरवर्ड प्रेफेस। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्यूटाइल यानी कि यूजलेस, कोई चीज़ है वो यूजलेस है तो उसको बोलेंगे फ्यूटाइल यानी कि व्यर्थ है वो चीज़, कोई चीज़ है व्यर्थ है तो यूजलेस होगी वो चीज़, उसको क्या बोलेंगे फ्यूटाइल, फ्यूटाइल सिनोनिम हो जाएगा यूजलेस, FUTILE, फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस। अब देखते हैं नया वो गिल्टी, गेटी मीन्स होता है मैरीमेंट यानी कि आनंद या सुखी, इसका हो जाएगा गेटी का मैरीमेंट यानी कि सुखी, आनंद में कोई चीज़ आनंद में तो मैरीमेंट गेटी। देखते हैं जेनरस, जेनरस, जेनरस मीन्स काइंड यानी कि दयालु, काइंड को देख के आपको समझ में आ रहा है जेनरस, कोई व्यक्ति जेनरस है, दयालु है यानी उदार व्यक्ति है कोई, उसे जेनरस बोलेंगे, GENERO, जेनरस मीन्स काइंड यानी कि दयालु। देखते हैं गार्ड यानी कि कोई चीज़ गार्ड है, जैसे मेरे मोबाइल में अब स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे उसे, प्रोटेक्टर बोलेंगे, प्रोटेक्ट यानी कि वो स्क्रीन को प्रोटेक्ट कर रहा है यानी कि उसका रक्षक है यानी मेरे स्क्रीन का ये रक्षक है, गार्ड है तो उसको गार्ड, GARD, गार्ड मीन्स प्रोटेक्टर यानी कि रक्षक, इसका हो जाएगा प्रोटेक्टर। देखते हैं ग्लूम, ग्लूम मीन्स अंधकार यानी कि डार्कनेस, डार्कनेस अंधकार, अंधेरा तो ग्लूम, GLOOM, ग्लूम, ग्लूम मीन्स डार्कनेस अंधेरा। देखते हैं नेक्स्ट ग्लोरी, ग्लोरी यानी कि फेम, फेम यानी कि सुयश, सब कुछ होना उसके पास यानी कि फेम, नाम होना किसी चीज़ का, बड़ा नाम होना, ग्लोरी यानी कि उस पर सब कुछ, सुख होना यानी कि सुयश यानी कि ग्लोरी, GLORY, ग्लोरी। अब देखते हैं गवर्न, किसी चीज़ यानी गवर्नमेंट होती है, गवर्न कर दिया है यानी कि वो गवर्नमेंट है यानी कि रूल कर रही है, गवर्नमेंट जो शब्द बनना है वो गवर्न से बना है तो
उसका मतलब होता है शासन करना, किसी चीज़ पर शासन करना, टू रूल, रूल करना किसी चीज़ पर, गवर्न का हो जाएगा टू रूल। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड GRATITUDE ग्रेटिट्यूड, यानी कि थैंकफुलनेस, कृतज्ञता, कृतज्ञता दिखाना किसी चीज़ को, यानी कि थैंकफुलनेस। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी में सीरियसनेस, गंभीरता से किसी चीज़ को गंभीरता से लेना, यानी कि सीरियसनेस एंड ग्रेविटी GRAVITY ग्रेविटी, ग्रेविटी में सीरियसनेस यानी कि गंभीरता से लेना। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, यानी कि डीप सोरो, गहरा दुख, ग्रीफ गहरा दुख, GRIEF ग्रीफ मीन्स गहरा दुख, इसका हो जाएगा सुनोने डीप सोरो। नेक्स्ट देखते हैं गाइड, किसी चीज़ को गाइड करना, लीड करना है, पथ प्रदर्शक, गाइड को बोलते हैं पथ प्रदर्शक, टू लीड, स्पेलिंग देख लेते हैं GUIDE, इसका सुनोने में हो जाएगा टू लीड, यानी कि पथ प्रदर्शक करना, लीड करना किसी चीज़ को, कोई लीडर होता है वो अपनी पार्टी को लीड करता है, वैसे ही गाइड मीन्स लीड होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की सुनियम कराऊंगा। अगर आप लोगों को पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अगर कोई क्वायरी हो तो उसको पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उसका मैं आंसर ज़रूर दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।